उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कीर्तपुर नेरचौक मनाली फोर लेन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने NIC सभागार में आयोजित बैठक में फोर लेन के कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने की बात कही। ऋग्वेद ठाकुर ने निर्देश दिए कि परियोजना की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जिन प्रभावितों को अभी मुआवजा देना शेष है उन्हें शीघ्र मुआवजा भी दिया जाए। कहीं कोई विवाद हो तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण NHAI LGM की अध्यक्षता में गठित संबंधित विभागों की समिति के सहयोग से मामले को सुलझाए। फोर लेन के लिए जहां जहां सुरंगें बनाई जा रही हैं उनकी वजह से पहाड़ियों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों को सूखने की आशंका को निर्मूल करने के लिए NHAI विशेषज्ञों की मदद से पूरा अध्ययन करवाए, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रिपोर्ट को साझा करे। उन्होंने कहा कि पंडोक के पास ड्योड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन 3 परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए और खतरे को देखते हुए NHAI इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण व मुआवजे का मामला बनाए। प्रशासन ने ड्योड में सड़क पर पुलिस के जवान तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं और NHAI भी अपने ट्रैफिक मार्शल लगाए ताकि यातायात को 24 घंटे ठीक से नियम अनुसार चलाया जा सके। वहीं बैठक के दौरान NHAI निर्माण कार्य के मलबे की डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की संपर्क सड़कों का प्रयोग करने पर भी बात की गई। वे उन संपर्क सड़कों की मरम्मत भी तय करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेब की फसल को लेकर बागवानों में संशय बना हुआ है। कुछ दिनों से सेब में स्क्रैब रोग होने की चर्चा से इससे जुड़े लोगों की नींद उड़ गई है। हिमाचल प्रदेश में करीब 4500 करोड़ का सेब कारोबार होता है। इनमें से सेब बागवानों से लेकर मजदूर, परिवहन, आड़ती जुड़े होते हैं। इस प्रकार सर्दियों में अच्छी बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन कुछ रोज से चर्चा है कि सेब में स्कैब रोग का तेजी से प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि पुख्ता तौर पे अभी तक स्कैब होने की बात सामने नहीं आई है। जब तक विशेषज्ञों द्वारा प्रयोगशाला में जांच कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में सेब बागवानी में अहम जानकारी रखने वाले बागवान और विशेषज्ञों का मानना है कि सेब में स्कैब की तरह जो धब्बे दिखाई देते हैं वो वास्तविक में कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। उनका कहना है कि आजकल बाजार से लोग अधिक पैदावार और अच्छी फसल के लिए लोग कई बार खादों का प्रयोग करते हैं। इन सभी खादों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम की कमी से सेब में जो निशान होते हैं वो स्कैब की तरह प्रतीत होते हैं। बागवानों का कहना है कि हिमाचल में स्कैब 3 दशक पूर्व जम्मू कश्मीर से आया था और सेब को अत्यधिक नुकसान भी पहुंचाया था। बागवानों का मानना है कि नमी अधिक हो और सेब पत्तों में पानी अधिक देर तक रहे तो स्कैब के फंगस का अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ है। सेब बागवान सुरेंद्र ने बताया कि लोग विभिन्न प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर बाजार में ऐसे खड़े और टॉनिक खरीदते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है लेकिन कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी से सेब में जो धब्बे दिखाई देते हैं वे स्कैब की तरह लगते हैं। अभी फिलहाल उनकी जानकारी में रोग असल में स्कैब है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। डॉक्टर RS मिन्हास ने कहा कि आजकल छोटी सी चीज को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, इससे भ्रम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने बताया कि काफी सालों से हिमाचल में स्कैब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जरूर है कि कुछ लोगों ने सैंपल उनके प्रशिक्षण के लिए भेजे हैं, नाइट्रोजन डिसऑर्डर उनमें पाया गया है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी हैं लेकिन ऐसा प्रमाण पुख्ता नहीं है कि बीमारी स्कैब है।
किसान सभा के नेता बिहारी सेंगवी ने बताया कि अगर स्कैब है तो ये एक चिंता का विषय है। स्कैब बाहरी प्रदेशों से आता है क्योंकि जिस तरह से रोगयुक्त पौधे बाहर से हिमाचल में लाए जा रहे हैं उनसे बीमारियां भी फैल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशहर में नगोली के समीप हर वर्ष 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन बरसात के आगमन की खुशी में आसपास के देवी देवताओं की उपस्थिति में किया जाता है। जिला स्तरीय इस मेले को अषाढ़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही इलाके में तेज गर्मी पड़ने लगती है तो कुमसू गांव के लक्ष्मी नारायण देवता अपने इलाके के करेरी नामक स्थान में देवता परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो कुदरत ही बारिश शुरू कर देती है। उसके बाद सभी देवलू इस इष्ट को लेकर नोगली नामक मेला स्थान पर पहुंचते हैं। इस दौरान आसपास के इलाकों के देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। तीन दिन तक चलने वाले इस मेले में खूब नाच गाना चलता है। बरसात आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले आषाढ़ी मेले में लोग अच्छी बरसात की मेले में आए देवी देवताओं से कामना भी करते हैं। मेला कमेटी के प्रधान कृष्ण गोपाल ने बताया कि सूखा पड़ते ही स्थानीय लक्ष्मी नारायण देवता कुमसू इलाके के 23 गांवों की परिक्रमा पर निकलते हैं। जैसे ही देवता परिक्रमा पूरी कर आखिरी गांव करेरी पहुंचते हैं तो कुदरत ही अवश्य बारिश शुरू कर देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आसपास के इलाकों से भी देवी देवताओं के नोगली पहुंचने पर लोग इष्टों से अच्छी बरसात की मन्नत मांगते हैं तथा सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। देवता लक्ष्मी नारायण इलाके में निकलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। इस मौके पर टीकम ने बताया कि देवता लक्ष्मी नारायण इलाके में निकलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही मेला स्थल नोगली पहुंचते हैं तो बरसात आगमन तेज हो जाता है। अच्छी बरसात से इलाके में सुख समृद्धि भी बनती है। स्थानीय निवासी उमा मेहता ने बताया कि मेले में आसपास के इलाकों के देवी देवता आए हैं। इस मेले को बरसात आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इस बार अच्छी बरसात हो, नुकसान कम हो, देवी देवताओं से यही मन्नत मांगी जा रही है।